कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि भाई मोबाइल इज द फ्यूचर। अगर आप अपने एसईओ एफर्ट्स को मोबाइल की तरफ ज़्यादा, मोबाइल फर्स्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे तो चांसेस ये रहेंगे कि आपका एसईओ एक राइट डायरेक्शन के अंदर जाएगा और आपका पेज जल्दी तरीके से रैंक हो पाएगा। जिस कीवर्ड को रैंक करने में 6 से 7 महीने लगते हैं, ऑर्गेनिकली बिना कोई घपले के आप उसको थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। तो आज मैं एक नया टूल आपको बताने वाला हूँ जिससे आपकी एसईओ की स्पीड और तेज होने वाली है। उसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, AMP। इसके ऊपर मैंने कब देखा, अगर आप कोई भी गूगल का फोन यूज करते हो, नेक्सस फोन यूज करते हो तो आप देखते होगे, या फिर आप पिक्सल लॉन्चर भी यूज कर रहे हो, आप देखोगे अपने फोन की साइड में आपके पास बहुत सारी न्यूजेस आती है गूगल न्यूज के नाम से। तो आप देखोगे उसके अंदर जितनी न्यूजेस है सबके नीचे की साइड पे एक फ्लैश का साइन बना होता है, बिजली का साइन, थंडरबोल्ट का साइन, जो कार्टून देखते हैं फ्लैश वाला, यहाँ पे जो फ्लैश का साइन होता है वैसा ब्लैक एंड व्हाइट का साइन होता है उसके वहां पे लगा होता है। आपने गूगल पे कभी सर्च मारा होगा मोबाइल के ऊपर तो आपने देखा होगा बहुत सारे पेजेस के साइड में लिखा होता है, ऐसे फ्लैश का साइन बना होता है। तो जो फ्लैश का साइन बना हुआ है उसी को हम AMP कहते हैं। तो अगर फ्लैश का साइन बना हुआ है इसका मतलब वो AMP ऑप्टिमाइज है, वो वाला पेज। तो अगर आप देखोगे कभी भी किसी न्यूज़ को सर्च मारते हुए या फिर किसी कीवर्ड के ऊपर तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो AMP के ज़्यादा दिखाई दे। गूगल न्यूज़ के ऊपर मैंने बहुत चेक किया है, मतलब ये लेके चलिए 90% जो रिजल्ट्स होते हैं वो AMP ऑप्टिमाइज होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो है AMP के ऊपर। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा, जो भी आपको लोग बताते हैं कि SEO ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, SEO किसी को नहीं पता, गूगल की एल्गोरिदम किसी ने कुछ क्रैक नहीं करी है, सब अपने एनालिसिस बताते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं जो यहाँ पे टॉप पे आ रहे हैं उसमें से 90% AMP वाले हैं, तो AMP का कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। सिंपल सी बात लेके चलो, गूगल का एम क्या है, गूगल का एम ये है कि भाई गूगल के सर्च इंजन चलता रहे, लोग किसी और सर्च इंजन के ऊपर ना आ जाए। तो गूगल का मानना है कंज्यूमर इज द किंग, जो बंदा किसी चीज को सर्च मार रहा है तो उसको वो आंसर जल्दी से जल्दी मिल जाए और साथ के साथ उसको ज्यादा दिक्कत ना है। अब मान के चलो एक पेज है जो कि लोड होने में बहुत टाइम लगा रहा है, या फिर वो मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, या फिर उसका कोड बेकार है, या फिर उसके अंदर इमेजेस बहुत हैवी लगी हुई है, या फिर उसके अंदर एड्स आती है वो भर भर के दबे भर भर ऐसे ऐसे आती है कि पेज में यूजेबिलिटी खराब हो जाती है, तो इससे क्या होगा, वो बंदा गूगल के पेजेस पे नहीं जाएगा। अब लोग गूगल के एल्गोरिज्म को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस चक्कर में हो सकता है कि वो जो पेजेस है वो ऊपर आ जाए। पर गूगल का अल्टीमेट एम क्या है, सामने वाले को अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देना। तो गूगल ने एक चीज शुरू करी AMP करके, तो बहुत सारे डेवलपर कम्युनिटी के साथ मिलके गूगल ने इनिशिएट किया गया। उसके अंदर क्या किया गया, उसके अंदर उसका खुद का एक कोड होगा, वो बेसिक आपके कोड के अंदर ही घुस जाएगा, वो पेज की वेबसाइट का लोड टाइम 3 times से घटा देगा, तक ज्यादा भी घटा सकता है, डिपेंड करता है आपका पेज कैसा है। तो यहां पे वो हैवी इमेजेस को हटा देगा, एड्स जो बड़ी बड़ी आ रही थी पॉपअप वाली उसको हटा देगा, कुछ जावास्क्रिप्ट ऐसी है जिसकी वजह से एनिमेशन के चक्कर में पेज को खुलने में टाइम लग रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, वो उसको हटा देगा। बेसिकली आपके पेज को एक सिंपल लुक दे देगा, जिस चक्कर में क्या होगा आपका पेज तेजी से लोड होगा। अब ऐसा कहते हैं कई लोग AMP के अंदर हम CDN नेटवर्क का यूज करते हैं। CDN नेटवर्क का मतलब क्या होता है, मान के चलो मेरी वेबसाइट एक डैश सर्वर के ऊपर लोड हो रही है। अब क्या होता है, वो सर्वर थोड़ा सा स्लो हो सकता है, उसके चक्कर में मेरी वेबसाइट खुलने में दिक्कत दे सकती है। अब क्या हुआ, गूगल का या फिर कोई बड़े कंपनी का वहां पे AMP आपका पेज होस्ट हो गया है। अब जब भी कोई खोलेगा, कोई यूजर आएगा, वो डायरेक्टली इस सर्वर से खोलेगा, इधर से नहीं खोलेगा। तो क्या होगा, ये वाला सर्वर इज रिलेटिवली फास्टर देन योर सर्वर। तो क्या होगा, ये वेबसाइट ज्यादा तेजी से खुल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोड अच्छा है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो ढंग से ऑप्टिमाइज हो रखा है, और ये किसी फास्ट सर्वर के ऊपर पड़ा है। तो अल्टीमेट एम जो गूगल का था वो पूरा हो पा रहा है, इसलिए गूगल AMP को प्रमोट कर रहा है। अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है, कंपनी वेबसाइट है, तो लगाना है नहीं लगाना वो आपके ऊपर है, पर अगर आपके पास ब्लॉग है तो आप क्या करो, एक प्लगइन आता है AMP फॉर WP करके, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, आप उसको जाके इंस्टॉल कर दो, प्लगइन सेक्शन के अंदर जाके उसको एक्टिवेट कर दो। बेसिक सा स्टेप वो आपसे पूछेगा, उसको नेक्स्ट करके जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो कहेगा अपना लोगो अपलोड करो, वो करके डन कर दो, वो ऑटोमेटिकली आपके सारे पेजेस के AMP पेजेस बना देगा। अब एडवांटेज क्या होगी, आपके पास AMP पेजेस ऐसे गो के अंदर आ गए। नॉर्मली जो पुरानी वेबसाइट कोडेड वेबसाइट होती है उसके अंदर आपको क्रिएट करना पड़ता है, पर वर्डप्रेस के अंदर एडवांटेज होती है प्लगइन्स की, बहुत सारे प्लगइन आते हैं, सीधा इंस्टॉल करो, एक्टिवेट करो, सारा सारा काम चलाओ।
तो इसके अंदर पेड फीचर्स भी है, मैं कहूंगा फ्री चलाओ, फ्री के अंदर सारा काम हो जाएगा, बेसिक बेसिक, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो। अब अगर आपकी कॉरपोरेट वेबसाइट है जहां पे आप अपीयरेंस के ऊपर काम करना चाहते हो और आपने अपनी वेबसाइट को मोबाइल ऑप्टिमाइज बना रखा है, तो जरूरी नहीं है कि आप एएमपी की तरफ जाओ, तो आपका काम हो सकता है। पर अगर आप ब्लॉगिंग श्लॉगिंग कर रहे हो, उसके अंदर आपकी अपीलिंग नहीं चाहिए, उसके अंदर आपको ग्राफिक्स नहीं चाहिए, उसके अंदर ये नहीं चाहिए कि अगर कोई आपकी वेबसाइट खोलता है तो उसको एक अच्छी सी इमेज दिखाई दे, उसको चैट बॉक्स दिखाई दे, उसको कुछ दिखाई दे, उसको स्लाइडर्स दिखाई दे, वहां पे आपका एम क्या है? वहां पे आपका एम है सामने वाले को कंटेंट प्रोवाइड करना, जो कि आप कर पा रहे हो। तो अगर आप ब्लॉगिंग करते हो या फिर आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है जहां पे आप सामने वाले को एजुकेट कर रहे हो, कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो एएमपी इज फॉर यू। ठीक है दोस्तों, इसी साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में पूछ लेना, अगर कोई दिक्कत है एएमपी को इंस्टॉल करने में या फिर कुछ करने में, तो नीचे कमेंट में मुझे बता देना जरूर, और बताना आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एएमपी को लेकर। बाय, गुड नाइट, शब्बा खेर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।